मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 30 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है, दूसरा धर्म व राज्य नहीं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है, दूसरा धर्म व राज्य नहीं। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है? तो उत्तर में बाबा कहते, वहां कोई कर्म भोग आदि नहीं होता है, यहाँ बीमारियां आदि सिद्ध करती हैं कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही हैं, जिसे ही पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। बाबा ने एक और प्रश्न पूछा कि बाप के किस इशारे को दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? और उत्तर में बाबा समझाते कि बाप इशारा करते हैं, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ, यहाँ बैठे बाप को याद करो, प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे, तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा। भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को नहीं पढ़ाया जा सकता है, यह तो पढ़ाई है, कॉलेज खुलते जाएंगे। यह हुई बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी, इनको कहा जाता है पांडव गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहा जाता है सावरंटी को। अब तुम जानते हो सावरंटी स्थापन हो रही है, धर्म प्लस सावरंटी, रिलीजो पॉलिटिकल, देवी देवता धर्म भी स्थापन हो रहा है, और कोई भी धर्म वाले राजाई की स्थापना नहीं करते, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं कि मैं आदि सनातन धर्म और राजाई स्थापन कर रहा हूं, इसलिए रिलीजो पॉलिटिकल कहा जाता है। बच्चों को बहुत दूरादेश बुद्धि बनना चाहिए। बाप दूर देश से आए हुए हैं, ये दूर देश से तो सब आत्माएं आती हैं, तुम भी दूर देश से आए हो, नया धर्म जो स्थापन करने आते हैं उनकी आत्माएं दूर से आती हैं, वह है धर्म स्थापक, और इसको कहा जाता है धर्म और सावरंटी स्थापक। भारत में सावरंटी थी, महाराजा महारानी थे, महाराजा श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी। तो अब तुम बच्चे कहेंगे कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं, बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं कि आओ आकर पुरानी दुनिया को बदल, नई सुख की दुनिया स्थापन करो। पुराने घर और नए घर में अंतर तो होता है ना, बुद्धि में नया मकान ही याद रहता है। आजकल तो मकान बहुत फैशनेबल बनते हैं, ख्याल करते रहते हैं ऐसा ऐसा मकान बनाए। तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं, स्वर्ग में हम हीरे ज्वारों के महल बनाएंगे। दूसरे धर्म वाले ऐसा नहीं समझते, जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आया, यह उस समय नहीं समझते, जब वृद्धि होती है तब नाम रखते हैं क्रिश्चियन धर्म। इस्लामी आदि धर्म कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता, तुम्हारी निशानी शुरू से लेकर अभी तक चलती रहती है, लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, यह भी जानते हो तो इनों का राज्य सतयुग में था। तुमको यह ज्ञान वहां नहीं होगा कि पास्ट में किसकी राजधानी थी, फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी, सिर्फ प्रेजेंट को जानते हैं बस। अभी तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो। पहले पहले हमारा धर्म था, फिर यह धर्म आए हैं, संगम पर ही बाप बैठ समझाते हैं। आए हो सत्युग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे, वहां तो राजाई करते रहेंगे और धर्मों का नाम निशान नहीं रहेगा, अपनी मौज में राजाई करते रहेंगे। अभी तुम सारे चक्र को जानते हो, मनुष्य यह तो नहीं जानते हैं कि बरोबर देवी देवता धर्म था,
परंतु वह कैसे स्थापन हुआ, कितना समय चला, यह नहीं जानते हैं। तुम जानते हो, सत्यु में इतने जन्म राज्य किया, फिर त्रेता में इतने जन्म लिए, इन्हों को भी जानना पड़ेगा। बच्चे जानते हैं, बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम जानते हो, कृष्ण की आत्मा का ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इनमें ही आकर प्रवेश किया है। इनका नाम ब्रह्मा जरूर चाहिए, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह त्रिमूर्ति की नॉलेज बहुत सिंपल है। यह निराकार बाप शिव, इनसे यह वर्षा मिलता है। निराकार से वर्षा कैसे मिला? यह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर वही देवताएं 84 जन्मों के बाद ब्राह्मण बनते हैं। यह चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। हम सो ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे सो रुद्र के बच्चे, हम आत्माएं निराकारी बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। तपस्या कर रहे हैं, फिर सत्युग में आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं और फिर देवता धर्म का बादशाह बन राज्य करेंगे। योग से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो क्या बनेंगे? यात्रा पर जब जाते हैं तो पाप नहीं करते हैं, पवित्र भी जरूर रहते हैं, समझते हैं, देवताओं के पास जाते हैं, मंदिर में भी हमेशा स्नान करके जाते हैं। स्नान क्यों करते हैं? एक तो विकार में जाते हैं, दूसरा लैट्रिन में जाते हैं, और फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं। यात्रा पर कब पतित नहीं बनते, चार धामों की परिक्रमा पावन होकर देते हैं, तो पवित्रता है मुख्य। देवताएं भी अगर पतित होते तो फर्क क्या रहा? देवताएं पावन हैं, हम पतित हैं। तुम जानते हो, बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा गोद लिया है। यूं तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, परंतु तुमको पढ़ाऊं कैसे, राजयोग कैसे सिखलाऊं, तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाऊं? तुम जानते हो, बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देंगे। कहां लायक बनाएंगे? संगम युग में। बाप कहते हैं, मैं संगम पर आता हूँ। यह बीज का ब्राह्मण धर्म ही अलग हो जाता है। कलयुग में है शूद्र धर्म, सत्युग में है देव, यह है ब्राह्मण धर्म। तुम ब्राह्मण धर्म के हो, यह संगम युग बहुत छोटा है। अभी तुम सारे चक्र को जान गए हो, दूरादेशी बन गए हो। तुम जानते हो, ये बाबा का रथ है, इनको नंदीगण भी कहते हैं। सारा दिन सवारी थोड़ी होती है, आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है। अलग हो जाए तो शरीर ना रहे। बाबा तो आ जा सकता है क्योंकि उनकी अपनी आत्मा है, तो मैं सदैव नहीं रहता हूँ, इनमें मैं सदैव नहीं रहता हूँ, सेकंड में आ जा सकता हूँ। मेरे जैसा तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता। आजकल रॉकेट, एरोप्लेन आदि कितनी चीजें बनाई हैं, परंतु सबसे तीखी आत्मा है। तुम बाप को याद करो, यह आया। आत्मा को हिसाब किताब अनुसार लंदन में जन्म लेना होगा तो सेकंड में वहां जाकर गर्भ में प्रवेश करेगी, तो सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है। अभी आत्मा अपने घर में जा नहीं सकती क्योंकि वह ताकत ही नहीं रही है, कमजोर हो गई है, उड़ नहीं सकती। आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है। शरीर पर अगर बोझा होता है तो आग से पवित्र हो जाता, परंतु आत्मा में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है। इसलिए कहा जाता है, पास्ट का कर्म भोग है, आत्मा संस्कार साथ में लाती है और ले जाती है। कोई जन्म से लंगड़ा होता है तो कहा जाता है, पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं, जन्म जन्मांतर के कर्म है जो भोगने पड़ते हैं। सत्युग में ही पुण्य आत्मा, वहां ये बातें होती नहीं, यहाँ है सब पाप आत्माएं। सन्यासियों को भी अर्धांग लकवा हो जाए तो कहेंगे कर्म भोग। अरे, महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु को फिर ये बीमारी क्यों? कहेंगे कर्म भोग। देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। गुरु मरेगा तो फॉलोअर्स को जरूर अफसोस होगा। बाप पर भी जास्ती लव होता है तो रोते हैं। स्त्री का पति से जास्ती लव होगा तो रोएगी,
पति दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी, मोह नहीं होगा तो समझेगी भाभी तुम्हारा भी बाप के साथ बहुत लव है। पिछाड़ी में बाबा चला जाएगा, तुम कहेंगे ओहो बाबा चला गया, जिसने इतना सुख दिया। पिछाड़ी में बहुत रहते हैं, बाप से बहुत लव रहता है, तुम कहेंगे बाबा हमको रजाई देकर चला गया। प्रेम के आंसू आएंगे, दुख के नहीं। यहाँ भी बच्चे बहुत समय के बाद आकर बाप से मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं, यह प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ ही है कि हम बाबा के गले का हार बने, इसलिए बाबा को याद करते रहते हैं। बाबा का फरमान है याद की यात्रा करते रहो, जैसे दौड़ाया जाता है फलाने स्थान को हाथ लगा कर आओ फिर नंबरवार होता है। यहाँ भी जितना बाबा को याद करेंगे, जो पहले दौड़ी लगा कर जाएंगे वही फिर पहले स्वर्ग में लौट आकर राज्य करेंगे। तुम सब आत्माएं बुद्धि के योग से दौड़ रही हो, यहाँ बैठे हुए वहां दौड़ रही हो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा इशारा करते हैं मुझे याद करो, दूरादेशी बनो। तुम दूर देश से आए हो, अब यह पराया देश विनाश हो जाएगा। इस समय तुम रावण के देश में हो, यह धरनी रावण की है, फिर तुम बेहद के बाप की धरनी पर आएंगे, वहां है राम राज्य। राम राज्य बाप स्थापन करते हैं, फिर आधा में रावण राज्य रावा अनुसार नूंधा हुआ है। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, इसलिए तुम प्रश्न पूछते हो कोई नहीं बता सकेगा। अगर कहे आत्मा का फादर गॉड फादर है, अच्छा तुमको उनसे क्या वर्षा मिलना चाहिए? यह है पतित दुनिया, बाप ने पतित दुनिया तो नहीं रची है ना। कोई को भी समझाना बहुत सहज है, चित्र दिखाना पड़े। त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, ऐसा कायदे अनुसार त्रिमूर्ति शिव का चित्र कहाँ है नहीं। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं, विष्णु और शंकर को नहीं दिखाते हैं, उनको देवता समझते हैं। ब्रह्मा तो प्रजापिता है, कोई ने कैसे बनाया है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं और कोई की बुद्धि में नहीं आता। जैसे बावरे हैं, रावण को क्यों जलाते हैं कुछ पता ही नहीं। रावण है कौन, कब से आया, कह देते हैं अनादिकाल से जलाते हैं। तुम समझते हो यह अधकल्प का दुश्मन है। दुनिया में अनेक मते हैं, जिसने जो समझाया वह नाम रख दिया। कोई ने महावीर नाम डाल दिया, अब महावीर तो हनुमान को दिखाते हैं। यहाँ आदि देव महावीर नाम क्यों रखा है? मंदिर में महावीर महावीरनी और तुम बच्चे बैठे हो, उन्होंने माया पर जीत पाई है इसलिए महावीर कहा जाता है। तुम भी अनायास ही अपनी जगह पर आकर बैठे हो, वह तुम्हारा यादगार है, वह है जड़। फिर भी चित्र जरूर लगाना पड़े, जब तक चैतन्य के पास आकर समझें, देलवाड़ा मंदिर का राज बहुत अच्छा समझा सकते हैं। यह पढ़कर गए हैं तब भक्ति मार्ग में यह यादगार बने हैं। तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है, गालियां भी खानी पड़ती हैं, क्योंकि कलगीधर बनना है। अभी तुम सब गाली खाते हो, सबसे जास्ती ग्लानी मेरी की है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं, मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते हैं। विष्णु और शंकर को थोड़ी गाली देंगे, बाप कहते हैं मैं गाली खाता हूँ। तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ता है, नहीं तो ये अपने धंधे में था, गाली की बात ही नहीं। सबसे जास्ती गाली मुझे देते हैं, अपना धर्म कर्म भूल गए हैं, कितना समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है दूरादेशी बनना है, याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है, यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं।
सेकंड पॉइंट है, महावीर बन माया पर जीत पानी है, ग्लानी से डरना नहीं है, कलगीधर बनना है। बाबा ने वरदान दिया है, सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही। जैसे किसी के पास धन की, बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है तो उसे निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है, आपके पास तो सब शक्तियां हैं, सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा साथ है। तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है, इन्हें सिर्फ यूज करो, स्व के प्रति कार्य में लगाओ तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। स्लोगन, व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। ओम शांति।